नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। मैंने आपको पहले कच्चा करना सिखाया था, आज मैं आपको तिरछा कच्चा करना बता रही हूँ। तिरछा कच्चा जहाँ दो कच्चे करने होते हैं, दो कच्चे ना करके एक ही कच्चे में काम चला लेते हैं। तो तिरछा कच्चा किस प्रकार करते हैं, देखो इस प्रकार से ऐसे ऐसे तिरछा टाँका लेंगे, इन दो पीस को जोड़ने के लिए इस प्रकार से तिरछा कच्चा लेंगे। ये पॉकेट जोड़ने में काज के टांके के बनाते वक्त, लाइनिंग को जोड़ते वक्त इस टांके का प्रयोग करते हैं। देखो इस प्रकार से दो पीस जोड़ने के लिए तिरछे कच्चे टांके का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, अब इसको किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से लें, ऐसे टांका लेंगे और इसको तिरछा इस प्रकार से तिरछा टांका इस प्रकार से, ये देखिए इस तरह से इस प्रकार तिरछा टांका लेंगे। एक बार इधर से लेंगे और एक बार इधर से लेंगे, ऐसे ऐसे, और दूसरी बार जो है टांके को यहाँ से लेंगे ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से तिरछा टांका करते हुए एक बार इधर से लेंगे और ऐसे पकड़ के इस प्रकार, और एक बार इधर से लेंगे। देखिए इस प्रकार से ये छोटे छोटे कार्य जो है वो सिलाई के कार्य करने में बहुत ही लाभकारी होते हैं। देखो इस प्रकार से आप इसका तिरछा टाँका इस तरह से एक बार इधर से लोगे, एक बार इधर से ऐसे, ये देखो, और इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से। और मैं आशा करती हूँ कि आप जो भी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ वो आपको समझ में आ जाता होगा, और अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आती आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगी, आप करते रहें इस तरीके से। ये देखिए इस प्रकार से हमने इस कपड़े पर तिरछा कच्चा किया, दोनों पीस को हमने मिलाया है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ जैसे पॉकेट जब बनाते हैं तो किस प्रकार से पॉकेट में भी कच्चा करते हैं। ये देखिए मैंने ना पहले से ही साइड जोड़ रखी है, यस इधर से भी, और बीच से मैंने इसको सिलाई लगा ली। देखिए सिलाई लगा ली, ये जैसे पजामे में की पॉकेट, बंगाली कमीज की पॉकेट, साइड की पॉकेट, और आजकल तो सलवार की बेल्ट में भी लगती है इस तरह की पॉकेट, तो इन सब का मुंह बंद करने के लिए देखो इस तरह से तिरछा टाँका करते हैं, ताकि जब हम नीचे इसके नीचे जब हम कपड़ा लगाएंगे तो ये जो है इस तरह से खुलेगा नहीं, ये बिल्कुल यहीं सेट हो जाएगा। तो दो कपड़ों को इस तरीके से देखो जैसे मैंने किया है, दो कपड़ों को कच्चा करने के लिए ही हम ये तिरछा कच्चा करते हैं। लाइनिंग करते हैं तब भी इस कच्चे का प्रयोग करते हैं, काज बनाते हैं, बटन होल करते हैं। देखो इस प्रकार से हम इसका इसको लेंगे, एक बार इधर से लेंगे और एक बार इधर से लेंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि तिरछा कच्चा कैसे और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये साइड सील करके और तब मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से, ये देखो ऐसे एक बार इधर से ले करके यहाँ ले लो,
ऐसे इस प्रकार से, ये देखिए, इससे आपको तिरछा कच्चा जो है किस तरह से किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है उसका आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये इस प्रकार से, अब जब भी जब हम अब इसके नीचे अगर पॉकेट लगाएंगे तो पॉकेट जो है ऐसे फैलेगी नहीं, बिल्कुल यहीं सेट हो जाएगा कपड़ा। इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर लो इस तरह से, जैसे कि मान लो ये हमारी पॉकेट है और ये हमारा कपड़ा, तब हम इसके ऊपर जब सिलाई लगाएंगे तो ये यहीं की यहीं जो है सेट हो जाएगा और इसका मुंह जो है वो खुलेगा नहीं, भद्दा नहीं लगेगा और नीचे का कपड़ा जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से जो है तिरछा कच्चा प्रयोग में लाया जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इनकी साइड है और ये इसका बीच का हिस्सा है। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।